राज ना होइएगा, मैं कई दफा कह चुका हूँ सियासत से दूर दूर तक दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर मैं और आप शराबी के वोटर और सपोर्टर हैं, अगर जालम के वोटर और सपोर्टर हैं, तो फिर इमाम हुसैन से मुंह छुपा के रखना, फिर इमाम जैनुल आबिदीन से पर्दा करना, फिर छुप चुप कर जाओ, फिर सैयदा जैनब का नाम ना लेना, फिर खामोश हो जाओ, फिर हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला नो गिरेबान पकड़ेंगे मेरा और आपका, पकड़ेंगे, याद रखना। हजरत सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला नो दमिश्क के दरबार में यजीद बोला, कहने लगा देखो अल्लाह ने किसको फतह दी और कौन हार गया, देखो आज जीता कौन और हारा कौन। हजरत जैनब पर्दे के पीछे थी, वहां से बोली, कहने लगी तेरा दरबार है ना, तो यहां तो नारे लगा रहा है, चल जरा मैदान में निकल के लोगों से पूछ, तुझे पता चले जीता कौन है और हारा कौन है।